देश में आर्थिक मंदी की खबरों के बीच धनतेरस में बंपर खरीदारी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की माने तो अकेले पटना में 750 करोड़ की खरीदारी हुई, तो गिरिराज सिंह ने धनतेरस में पूरे देश में 30 टन सोना खरीदे जाने का दावा किया। इधर विपक्ष मंदी के विपरीत बीजेपी नेताओं की दी गई दलील को मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी से धनतेरस में खरीद करने वाले लोगों का नाम उजागर करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि धनतेरस में 30 टन सोना और 750 करोड़ की खरीदारी करने वाले लोगों ने भ्रष्टाचार के पैसों से खरीदारी की है। धनतेरस में हुई खरीदारी बिहार में सियासत का मुद्दा बन गई है। मंदी के नाम पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने धनतेरस में केवल पटना में 750 करोड़ रुपए की खरीदारी का दावा किया है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आर्थिक मंदी के डर को सिर्फ दिखावा करार दिया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए देश भर में 30 टन सोना बिकने का दावा किया है। इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि मंदी के नाम पर विपक्ष केवल भ्रम फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मंदी की चर्चाओं के बीच बीजेपी नेताओं के बयान को जेडीयू का भी समर्थन मिला है। यह सिर्फ जो भी विपक्ष के लोग हैं, यह लगातार सरकार को बदनाम करने वाली बातें बोल रहे थे, ताकि जो जनता में जो परसेप्शन है सरकार का, वो बड़ा ही पॉजिटिव और अच्छा इसलिए है कि सरकार लगातार इस देश की तरक्की के लिए, लोगों के भलाई के लिए, विकास के लिए काम कर रही है। इतनी बात तय है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भरोसा बढ़ा है वित्तीय स्थिरता को लेकर के, लोगों ने तमाम उन कयासों को झुठला दिया है और धीरे धीरे हम बदले हुए हालात में भारत कैसे बेहतर करे इसके संकेत देने लगे। वहीं कांग्रेस को एनडीए की यह दलील रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि मंदी के माहौल में अगर 30 टन सोना की खरीद हुई है तो बीजेपी को सोना खरीदने वाले लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, जबकि आरजेडी ने कहा है कि मंदी को लेकर बीजेपी नेताओं का बयान बेकार का है। भाजपा के नेता इस तरह के उदाहरण को देकर लोगों के साथ जले पर नमक न छिड़के। दिवाली में देख लीजिए, खील बतासा की दुकान पर कॉमन लोगों की भीड़ वहां है, और सोने और हीरे मोती खरीदने वालों के यहाँ देखिए कौन लोग जा रहे हैं। सभी वो लोग हैं ना जो धनवान हैं। ये बोले हैं कि मोदी जी, गिरिराज सिंह, ये लोग राजनीतिक बड़े चेहरे में आते हैं लेकिन अज्ञानी लोग हैं, इनको ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। मंदी कल जो खरीदारी हुई धनतेरस में, तो ये एक पंडितीय व्यवस्था के चलते खरीदारी हुई ना। जनरली दिवाली में 3 से 4 दिन की खरीदारी होती है, लेकिन मात्र 1 दिन का बाजार था। पिछले की अगर तुलना करते हैं तो सेल गिरा हुआ था। धनतेरस पे हुई खरीदारी को लेकर मंदी के नाम पर शुरू हुई सियासत दिवाली के चिरागों की लौ के साथ और तेज हो सकती है। आशुतोष चंद्रा।